स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 17 के बारे में। ठीक है, वर्कशीट नंबर 17 के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश की है और क्लास 8th की है। आज की डेट क्या है बेटा? 16/9/2021। यहाँ पर आपको अपना नेम या अपनी टीचर का नेम लिखना है। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले बच्चों आपको बता दूं कि इस वीक के विनर का अनाउंसमेंट हो चुका है, गिफ्ट भी दिया जा चुका है। और जो वीक चल रहा है बच्चों, इस वीक में जो है, ठीक है, इस वीक में जो विनर रहेगा उसका अनाउंसमेंट संडे को किया जाएगा और उसे भी गिफ्ट दिया जाएगा। तो अगर आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, वॉच करने की कोशिश करना। ठीक है, फुल वीडियो को वॉच करिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए। आइए देखें इसमें क्या दिया है। पार्ट ऑफ लेसन सुनामी। ठीक है, इसका पार्ट क्या है? सुनामी है। इट्स सेड दैट एनिमल्स हैव सम स्पेशल पावर्स, कैन बी सीन्स डेंजर्स, लेट रीड अबाउट बिहेवियर। ठीक है, जो एनिमल्स हैं उनके अंदर कुछ क्या है, पावर्स होती हैं जिससे वो क्या है, डेंजर के बारे में जान जाते हैं। कुछ सेंस ऐसे ही होती हैं, जैसे एनिमल बिकम्स रेस्ट लेस बिफोर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के पहले वो कैसे हो जाते हैं? रेस्ट लेस हो जाते हैं, यानी वो रेस्ट नहीं करते हैं, बस इधर उधर दौड़ा करते हैं और भौंका करते हैं। डॉग कैन बी सीन्स व्हेन देयर ओनर कम होम। ठीक है, जब डॉग के ओनर क्या आते हैं, घर आते हैं, तो वो उनको क्या करता है, सूंघता है। ठीक है, और उनसे क्या है, सेंस का पता करता है कि वो उनका ओनर है कि नहीं। एंड बटरफ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर टू माइग्रेट। और जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड फ्लाई करती हैं उड़ते हुए, क्या करती हैं, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर माइग्रेट कर जाती हैं, यानी कि वहाँ से दूर चली जाती हैं। द सुनामी किल्ड 1,50,000 पीपल, अबाउट फ्यू एनिमल डाइड। पार्ट 3 ऑफ द लेसन यू विल रीड द एनिमल्स सेव देमसेल्फ। आप पार्ट 3 में देखोगे कि एनिमल्स ने किस तरीके से अपने को बचाया। ठीक है, जैसे बिफोर गैंट वेव्स, जैंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन ए इंडियन एंड श्रीलंका, द एनिमल एंड डोमेस्टिक एनिमल सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट हैपन। ठीक है, जब हुआ क्या, भारत के और श्रीलंका के तटों पर जब क्या है, बड़ी बड़ी वेव, जेंट वेव्स आने लगी, तो एनिमल समझ गया कि क्या हुआ है। दे फील्ड टू सेफ। अब वो अपने आप को सेफ करने के लिए वहाँ से हटते हैं। अकॉर्डिंग टू आईज विटनेस अकाउंट एलिफेंट, ठीक है, स्क्रिम्ड एंड रन टू हायर ग्राउंड। ठीक है, एलिफेंट क्या करता है, दौड़ के ऊँचे ग्राउंड पर जाने की कोशिश करता है। डॉग रिफ्यूज्ड टू गो डोर्स आउटडोर्स। और डॉग क्या करता है, आउटडोर जो है रिफ्यूज़ करने लगता है। एंड फ्लिम गोज अबेंडेड टू लो लाइंग बर्डिंग एरियाज। जो फ्लिम गॉन थे वो लो लाइंग बर्डिंग एरियाज में क्या है, अबेंड होने लगते हैं। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर एंड कुड नॉट स्टीम टू कम बैक। ठीक है, वो लोग क्या करे, जो जू के एनिमल थे वो अपने आप को क्या करते हैं, अपने गुफाओं में क्या है, बंद कर लेते हैं और वहाँ से बाहर नहीं निकलते। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल अपोज सिक्स सेंस, यू नो व्हेन द अर्थ टू गोइंग टू सेक। ठीक है, एनिमल्स के पास क्या होते हैं, 6 सेंस होते हैं, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, और जब अर्थ सेक करती है। ठीक है, सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल मोर एक्यूरेट हियरिंग हेल्प देम टू हेयर द फील एंड अर्थ वाइब्रेशन। जो एनिमल्स होते हैं उनकी सुनने की पावर बहुत से एक्सपर्ट कहते हैं बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से वो अर्थ की वाइब्रेशन को फील कर लेते हैं। दे कैन सेंस अप्रोचिंग डिजास्टर बिफोर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रिलीज्ड वॉट गोइंग। ठीक है, और इनके पास जो सेंस डिजास्टर होते हैं उसकी वजह से ये जान जाते हैं कि ह्यूमन रिलीज क्या कर रहा है। यू कैन नॉट श्योर वेदर एनिमल हैव सिक्स सेंस। और ये बात श्योर किसी को नहीं होती है कि एनिमल के सिक्स सेंस हैं या नहीं है। बट फैक्ट दैट द जेंट वेव रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन डजन कंट्रीज। जो इंडियन ओशन था उस समय 1.5 लाख से ज़्यादा लोग ख़त्म हुए थे, ठीक है, 1 दर्जन कंट्रीज से ज़्यादा। बट नॉट मैनी एनिमल रिपोर्टेड डाइड। बट कहीं से भी ज़्यादा जानवरों की मरने की खबर नहीं आई। After reading this passage, the animal reaction to column below. देखो, आपको नीचे कॉलम दिया गया है, उसमें आपका एनिमल्स के रिएक्शन लिखना है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। जूम के जो एनिमल्स थे उन्होंने क्या करा, रश्ड इनटू द शेल्टर्स एंड कुड नॉट टेम्पेड टू कम आउट। ठीक है, और ये चीज़ कहाँ पर बोला गया है बच्चों, ये चीज़ आपको यहाँ पर देखो ऊपर बोला गया है। ठीक है, ये देखो जू एनिमल्स, ठीक है, यहाँ से लेके देखो यहाँ तक दिया गया और इसी को वहाँ लिखा है।
अब ऐसा ही हम क्या करेंगे, एलिफेंट का देखते हैं। देखो एलिफेंट वाला मान लो आपका सी का क्या है, फर्स्ट है। क्या है? सी का फर्स्ट है। इसको चलिए देखते हैं। तो देखो सी के फर्स्ट में क्या बोला गया है बेटा, सी के फर्स्ट में बोला गया है एलिफेंट। एलिफेंट के लिए क्या है, हाँ बेटा यहाँ से देखो एलिफेंट से लिखना चालू करना और पूरा क्या है यहाँ तक लिख देना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सी का फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी एलिफेंट वाले में आप इसको लिखोगे जितना मैंने सर्कल्ड आउट करा हो रखा है, ठीक है पूरा। इसके बाद देखो बेटा डॉग, डॉग क्या है हमारा, सी का सेकंड है। सी के सेकंड में क्या लिखोगे, डॉग के लिए यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक लिख देना और डॉग के लिए यहाँ लिखोगे, ये क्या है सी का सेकंड हो जाएगा। इसके बाद बेटा क्या दिया गया, इसके बाद दिया गया फेलिंगोस। फेलिंगोस के बारे में देखो क्या बेटा लिखोगे, यहाँ से लेके पूरा, ठीक है यहाँ तक लिख दोगे और ये क्या हो जाएगा सी का थर्ड हो जाएगा। लिखना कैसे है बेटा, देखो लिखना ऐसे है जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसी तरीके से आप सी के थर्ड का यहाँ, सी के सेकंड का यहाँ और सी के फर्स्ट का यहाँ पर लिख दोगे। आगे देखो बेटा क्या बोला गया, नाउ नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, चॉइस द करेक्ट आंसर। जैसे जायंट वेव आर कॉल्ड सुनामी, ठीक है। अनदर वर्ल्ड इन द पैसेज सेक इज वाइब्रेशन, ठीक है। वेरी फ्यू एनिमल डाइड इन द सुनामी बिकॉज दे है हेयर एंड फील द वाइब्रेशन ऑफ अर्थ। तो सबका आंसर क्या है, बी है, आप इसको लिख लेना। आगे आपकी वर्कशीट होती है यहीं पर समाप्त। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताना, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करिए। हो सकता है इस वीक विनर आप हो जाओ, वो लक्की विनर आप हो जिसे क्या है गिफ्ट मिल जाए, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।